हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर आई हूँ उसी टॉपिक को लेके, क्योंकि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा हंगामा बना हुआ है। और पता है, जब हम अग्रेसिव होते हैं, डर में होते हैं, या फिर हम बहुत टेंशन में होते हैं, इन तीनों स्थिति में हम क्या करते हैं कि अपना आपा खो बैठते हैं। और जो हमारा डिसीजन होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग होता है। जो जब हम सेटल होते हैं तो फिर हमें लगता है कि हमने कितना बड़ा गलती कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था। तो सबसे पहले बात, जो कल सचिन का वीडियो आया था रात में, वो मैंने सुबह मॉर्निंग में देखा। यही तो सचिन का वीडियो मैंने मॉर्निंग में देखा था भाई। उस वीडियो को देखने के बाद मतलब जो थॉट्स थे नेहा के लिए, ऑनेस्टली वो एकदम से बदल गए, एकदम से बदल गए। क्योंकि आप वीडियो में तो इतनी सुशील, इतने अच्छे दिखते हो, बट रियल लाइफ में इस तरह की बातें, तो ऐसा नहीं है, ऐसे भी लोग होते हैं। और मैंने तो देखा है, अपने सराउंडिंग में भी देखा है कि लोग दूसरों के सामने अलग फेस रखते हैं, और मतलब जब उनका रियल फेस अलग होता है, जब उनसे रिश्ते ख़राब होते हैं तो वो फेस को लेके आते हैं। तो रिकॉर्डिंग सुन के बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। कि मेरा मानना ये है, अब उन्होंने तो जो कर दिया, लेकिन सचिन को मैं, क्योंकि गलती देखी है आपकी, मैं तो ये कहूँगी कि आपकी गलती ज़्यादा थी, क्योंकि आपकी एक फैमिली होते हुए और आप अपनी वाइफ को छोड़ के वहाँ पे गए, तो आपकी गलती थी। बट गलती करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक बार गलत कर दिए तो फिर हम सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अपनी गलत डिसीजन को भी हम सही डिसीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि देखो, जो हो गया सो हो गया, अब इस बात को सॉर्ट आउट करो आप। और किसी एक को तो इनिशिएटिव लेके करना पड़ेगा, किसी एक पक्ष को करना ही पड़ेगा। और इस सबसे बेस्ट इस टाइम का डिसीजन ये होगा कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। आपकी वाइफ है, आपकी फैमिली है। क्योंकि मैंने सचिन की माँ का जो वीडियो देखा था, उनके ब्लॉगिंग में मैंने देखा था कि वो बहुत परेशान थी। वो ये बोल रही थी कि मैं बेटा बहू के लिए आई थी, बट मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो रही है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, हम जा रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा है। तो हो सकता है कि पेरेंट्स कुछ समझाना चाह रहे हों और आप अपने अग्रेशन में कुछ और ही कर रहे हैं। तो लोगों का सुनना चाहिए। हो सकता है कि आपका डिसीजन आज के टाइम ठीक है या फिर नहीं है, ये तो आपका, जब वो गुस्सा शांत होगा तो ही समझ में आएगा, अग्रेशन ख़त्म होगा तो समझ में आएगा। क्योंकि अग्रेशन में हम डिसीजन कभी भी राइट नहीं लेते हैं। तो उनकी मम्मी का मैंने ये भी देखा कि ये लोग इतने समय से हमारी कोई बात नहीं सुनते हैं, हमारे और बच्चे, मतलब बच्चों को हम थोड़ा सा हॉबी रहे हैं, हम ऐसे पेरेंट्स थे। तो नहीं, हॉबी तो नहीं होने को मैं बोलूँगी। फैमिली में क्या होता है ना कि सबके एक रोल होते हैं, सब लोग अपने रोल में फिट होते हैं, तो वही फैमिली अच्छे से चलती है। अगर आप हॉबी होंगे तो बच्चे तो छुपाएंगे बातें। तो मैं माता जी को भी ये बोलूँगी कि आपको हॉबी होना नहीं था, बच्चों से थोड़ा सा ओपन होके, फ्रेंडली होके रहना चाहिए, चाहे वो बेटा हो, बहू हो, कोई भी हो घर में। तो हॉबी होना नहीं एक वो होता है, बेस्ट वे होता है फैमिली को चलाने के लिए। लेकिन अपने साइड में लोग यही करते हैं। तो आप अपने बेटा बहू से बातें करिए, उनको समझाइए, क्योंकि ये आपका फैमिली है। और सचिन को मैं बोलूँगी कि देखो, नेहा की बार बार ऐसे वीडियो ला के और उसको बेइज्जत करना, ये सही नहीं है। क्योंकि आप उस टाइम को याद करो कि कभी ना कभी आप सीरियस थे, आप उसको एक लेवल से बढ़ के, जब आप सुसाइड किए हो तो एक लेवल के आगे भी आप प्यार करते थे, तो उसका रिस्पेक्ट करिए। या फिर उसका भी आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आप, क्योंकि अभी तो चिढ़ है तो उस पल को याद करके तो और गुस्सा आएगा। तो आप बस एक लड़की का रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि ऑनेस्टली उसकी एक बेटी है, कल को शादी होगी, फैमिली होगी। तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे देख के अच्छा नहीं लगता है। तो क्योंकि हाँ, ऑनेस्टली लोगों को जब घर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो दरवाजे के बाहर बहुत सारे कान लगे होते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये तो सोशल मीडिया है, ऑब्वियस बात है, यहाँ पे तो होगा। तो ये आपका काम है कि आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट करिए।
और हो गई चीजें, गलतियां होती है। देखो लाइफ परफेक्ट नहीं है, मैं तो ये बोलूंगा कि लाइफ कभी भी परफेक्ट किसी की भी नहीं है। वही आदमी हमेशा रोल मॉडल बनता है जो अपनी गलती को करेक्शन करके आगे बढ़ता है, ना कि गलती को उसमें अपनी गलती को हाइड करना, अपनी गलतियों पे पर्दा डालना। ये अगर आप अपनी गलती पे पर्दा डालेंगे तो एक गलती के बदले आप 100 गलती और करोगे। तो ये तो सचिन ने गलती नहीं किया, ये नेहा आज भी गलती कर रही है, लेकिन सचिन ने तो ये गलती नहीं किया। सचिन क्लियर बोल रहे हैं यहाँ पे कि हाँ मुझसे गलती हुई और मैं नेहा से प्यार करता था, मैं रिलेशन में था, मैंने मनीषा को धोखा दिया, सब कुछ उसने क्लियर कर दिया है। सब कुछ क्लियर करने का मतलब कि हाँ अब बंदा मूव ऑन हो रहा है, लाइफ में आगे बढ़ रहा है। चलो नेहा नहीं कर रही, चलो छोड़ो उसका मैटर छोड़ो, लेकिन आप अब लाइफ में स्टेप आगे बढ़ चुके हो, 10 स्टेप आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे आके अपनी गलती एक्सेप्ट करना ये इट्स सेल्फ बहुत बड़ी बात होती है। तो आप अपनी गलती एक्सेप्ट किए हो सोशल मीडिया पे आके कि मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी वाइफ को धोखा दिया, तो आप मूव ऑन अब एकदम परमानेंटली करो कि हाँ जो हो गया अब हो गया, अब हमें एक नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करनी है। आप आज सोचोगे नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करनी है तो 1 महीने लग जाएंगे आपको नॉर्मल होने में, या 2 महीने लग जाएंगे, 6 महीने लग जाएंगे आपको नॉर्मल होने में, बट वो ट्राई आपको कंटिन्यू करनी है। और वो जो नॉर्मल होने की ट्राई आप करोगे तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। नॉर्मल लाइफ को नॉर्मल रखना ईजी है, बट एक डिस्टर्ब लाइफ को नॉर्मल दिखाना ये बहुत टफ है, और डिस्टर्ब लाइफ को नॉर्मल में लेके जाना ये और भी टफ है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है, बट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रायता फैल रहा है ना, और इससे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, मेंटली प्रेशर हो रहा है। मेंटली प्रेशर में हमेशा आदमी क्या करेगा, गलतियां करेगा। तो छोड़ो, आप समझदार हो, आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हो, चीज़ों को करो। जो एक सबसे बड़ा जो स्टेप था एक्सेप्ट करना अपनी गलती, वो आप कर चुके हो। तो बस मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मेरे पास आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह नहीं है, अदरवाइज मैं तो बात करके आपको बोलती कि भाई देखो, और मेरे मुँह से तो हमेशा भाई भाई निकलता है, और भाई और हर रिश्ता का अपना मायने रहता है। हर रिश्ता इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल है। इंसान, एक इंसान गलत हो सकता है, उसकी वजह से रिश्ते नहीं गलत होते, इंसान गलत होता है। जो इंसान गलत होता है ना, वो हर रिश्ते में गलत होता है। अगर एक बहू गलत है तो सास बनने के बाद गलत होगी, माँ बनने के बाद गलत होगी। अगर एक भाई गलत है तो बाप बनने के बाद भी गलत होगा, पिता बनने के बाद भी गलत होगा, भाई होने के बाद भी गलत होगा, उसी तरह से बहन का भी है। तो एक इंसान गलत होता है, रिश्ते गलत नहीं होते, रिश्ते सही होते हैं। ठीक है, उसी रिश्ते को और बाकी लोग भी ट्रूली प्योरली निभा रहे हैं। ठीक है, और अपवाद हर जगह है। ठीक है, आजकल तो आजकल नहीं, पहले से भी ऐसा कुछ नहीं, आजकल एक डायलॉग है, माँ तक को वो हो जाता है, कहा जाता है ना कि माँ कभी कुमाता नहीं होती, बट भाई बहुत सारे केसे जा रहे हैं कि माएँ भी कुमाता होती हैं, क्योंकि वो एक इंसान है। जो गलत इंसान है वो माँ बन के भी गलत ही रहेगा, वो सही नहीं हो जाएगा। जो एक गलत इंसान है वो भाई बन के बहन बन के वाइफ बन के हस्बैंड बन के हर किसी रिश्ते में वो फिट नहीं होगा, वो हर रिश्ते में कीचड़ ही करेगा। यहाँ पहुँचने में किसी को भी नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे कुछ लोगों का मैंने वीडियो देखा, लोग बोल रहे हैं कि अब तो हमें सचिन को भाई बन बोलने में डर लग रहा है। नहीं भाई, एक ही गलती की वजह से आप ऐसे नहीं बोलो, उस बंदे को चांस दो। और भी क्रिएटर को मैं बोलना चाह रही हूँ, जैसे सृष्टि हैं, और भी लोग हैं कि अब भाई बोलने में डर लगता है। ऐसा बोलोगे तो उस बंदे पे बार बार प्रेशर आएगा, सचिन की बात मैं बोल रही हूँ, तो ऐसा नहीं आप बोलो, उसको फ्री माइंड से आगे बढ़ने दो। बिल्कुल सब लोगों का यहाँ पे अगर आप कुछ कर सकते हो तो सब लोग बिल्कुल जो एटमॉस्फेयर हो उसको नॉर्मल रखो, जैसे पहले रहते थे वैसे रखो, तो यही सपोर्ट है। और मनीषा को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मनीषा तुम्हारा ये जो डिसीजन है ना जाने का, ये बहुत रॉन्ग है इस टाइम पे, क्योंकि अगर तुम सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर सकती हो अपने हस्बैंड का तो तुम ही कर सकती हो, क्योंकि देखो अच्छे टाइम में तो हम साथ रहते ही हैं। सबसे बड़ा है कि अपने घर, जब अपना घर डिस्टर्ब है तो उसको सही करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है।
तो अपने घर को सही ना करके अगर आप मायके गई या कहीं और गई तो ये सबसे बड़ा
देखो ना चीनू, शुभा को जब तक नेगेटिव कमेंट्स नहीं आएंगे ना, कुछ करो ना इनका कि ये ब्लॉग बनाना बंद करें। ये उनके लाइन थे, विद प्रूफ मैं दिखाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, मैं कुछ कर देता हूँ, मैं कुछ कमेंट करता हूँ और कुछ दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने उस टाइम पे, ये देखो अब मैं चैट दिखा, चलो मैं उनको उनकी चैट दिखाता हूँ। ये देखो नेहा आईफोन लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 7:13 पे मैंने इनको मैसेज भेजा, और ये मैसेज में क्या था जो मैंने कमेंट किया हुआ था, इसकी ब्राइटनेस में थोड़ी सी वो कर देता हूँ। हाँ अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने कमेंट किया हुआ था चीनू के ब्लॉग पे। कम से कम जिस बहन की वजह से ये मिला उसके पैर छूकर आशीर्वाद देते वाला, जो मैंने कम्युनिटी में भी बाद में पोस्ट किया था, उसके बाद से इनका क्या कहना था देखिए। उसके बाद से इन्होंने बोला चीनू आ गया था, चीनू आ गया था, मैंने बोला था ना आएगा, क्योंकि इससे पहले मेरे से फोन पे बात करी थी, और चूंकि मैं घर पे था तो ये सारा लॉग मैं डिलीट कर देता था, बट दूसरे वाले उसका मैं दिखाऊंगा सारा कुछ अभी है मेरे पास। चीनू आ गया था, मैंने बोला था ना आएगा, वॉइस कॉल। मैं बोला क्या बोला, कह रहा अब नीचे गया। मैं बोला जाने दो, अब उसकी उल्टी गिनती शुरू। क्यों? क्योंकि उल्टी गिनती गिनने के लिए नेहा तिवारी ने बोला था कि मेरे भाई के खिलाफ उल्टी गिनती गिनो। मैं बोला आपने ब्लॉक कर दिया था मुझे, ब्लॉक कर दिया था बेटू मुझे, मैं इतने प्यार से बोल रहा था। इन्होंने कहा यार ये मेरा फोन में दिक्कत कर रहा है, इसमें मैं गलत फोन से लाइव आ गया। चलो कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाओ इसको, आपने ब्लॉक कर दिया था मुझे। एक सेकंड में इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम करता हूँ। हाँ आप दिख रहे हैं क्लियर। तो आपने ब्लॉक कर दिया था मुझे, तो मैंने बोला बेटू मैं रो के बोल रहा था। तो इन्होंने बोला तुमने क्या बोला, तो कह रही है रुको मम्मी रो रही गुस्से में चली गई कहीं वेट। मैंने बोला अरे यार उसने कमेंट हाइड किया, मैं कम्युनिटी पोस्ट कर रहा हूँ। मैंने बोला कि उसने चीनू ने कमेंट हाई कर दिया, क्योंकि कमेंट करवाया किसने था, नेहा तिवारी ने करवाया था अपने भाई के खिलाफ कमेंट, और कमेंट के लिए कहीं नहीं बोला कि कमेंट हटाओ या कुछ भी करो, बस ये बोल रही है कि चीनू गुस्सा हो गया है और रुको मम्मी के पास जाके चीनू नीचे बोल दिया था कुछ, ये फोन की थी मेरे को एक सेकंड, बोले चीनू नीचे गया जल्दी फोन काटो। और उसके बाद से फिर यहाँ पर कह रही है कि मम्मी रो रही है गुस्से में चली गई कहीं वेट। अरे यार उसने कमेंट हाइड की है, मैं कम्युनिटी पोस्ट कर रहा हूँ, मैंने ये बोल करके कम्युनिटी पोस्ट कर दिया, और ये कम्युनिटी पोस्ट किया मैंने 7:40 पे, और उसके बाद मैं गाड़ी लेके बाहर था 7:41 पे, इन्होंने 7:42 पे और 7:42 पे इन्होंने कॉल किया मेरे को, लेकिन मैं कॉल उठाया नहीं था क्योंकि मैं फ़ोन गाड़ी में रख के कुछ मार्केट सामान ले रहा था बाहर। जैसे मैं 2-3 मिनट में गाड़ी में आया फ़ोन लेने, क्योंकि पेमेंट फ़ोन से करना था या कुछ करना था ऐसा फ़ोन का काम था, तो जैसे मैं आया तब तक इन्होंने देखो क्या मैसेज किया मेरे को, निकल मेरी ज़िंदगी से। आगे आप गाली भी पढ़ सकते हो, गाली लिखा हुआ है, मैंने कुछ कभी गाली नहीं दिया है। मेरी माँ को कुछ हुआ तो तुझे जिंदा गाड़ूंगी। पहली बात कि कमेंट अपने भाई के खिलाफ मैडम ने खुद करवाया, और कमेंट करवाने के बाद ये खुद मेरे को बोल रही हैं कि मेरी माँ को कुछ हुआ, ये कम्युनिटी देख के, और शायद कम्युनिटी देख के उसी ने 3 बार फ़ोन की थी, मेरी माँ को कुछ हुआ तो तुझे जिंदा गाड़ूंगी, बहुत शौक है ना तुझे। आप क्या पता आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे, मैं क्लियरली दिखा रहा हूँ आप लोगों को। फिर वॉइस कॉल आती है 33 सेकंड की, 33 सेकंड मेरी बात होती है इनसे। उसके बाद इन्होंने बोला कि अरे यार कम्युनिटी पोस्ट नहीं, गाली दे रही थी फ़ोन पे, गाली देते देते मैंने फ़ोन काट दिया। फिर करिए गुड, अब देखो मेरी हरकतें, जो करना है कर लो। अब मुझे गुस्सा आया क्योंकि मेरी माँ को गाली दिया इस लड़की ने, इस औरत ने मेरी माँ को जब गाली दिया, और मैं मेरे लिए बहुत नया था क्योंकि पहली बार इसने मेरे को ऐसे कुछ गाली दिया, ठीक है पहले तो मेरे को भाई कभी भी ऐसा नहीं किया, लेकिन अचानक इनको पता नहीं किया। तो फिर मैंने बोला गुड, अब देखो मेरी हरकतें, आपको जो करना है कर लो। कह रही है चल निकल मेरी जिंदगी से वाहियात इंसान, चल अब तू जा साले। मैंने बोला हाँ जा चुका हूँ, देखो मैं उसी दिन जा चुका हूँ। तुमने उसके लिए एकदम से स्टैंड लिया ना, उस दिन मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया जब मैं इसके दरवाजे पे गया हुआ था भोपाल, मेरे को बुला लिया और उस दिन बोल नहीं पाई कि मैं बुलाई हूँ, मेरी इतनी इंसल्ट करी, आज एकदम से जान पे बात आ गई, मेरी माँ को गाली दे रही हो और अपनी माँ के लिए, ठीक है जा। फिर ये शुभा ने वॉइस रिकॉर्डिंग एक मेरे को भेजा था, तो शुभा ने जो रिकॉर्डिंग भेजी थी वो रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ भेजा हुआ है। तो वो बात शुभा ने मेरे को बोला था, शुभा से मेरी फ़ोन पे बातचीत हुई थी, तो वो उसने कुछ मेरे को भेजा था। चलो उसकी उसको मैं साइड करता हूँ।
अब मैं एक बाप की औलाद नहीं अगर तुझसे रिश्ता रखूं। इन्होंने मेरे को बोला, देखो किसने तारीख को, 7 नवंबर को, ऊपर डेट आ रहा है 7 नवंबर को, एक बाप की औलाद नहीं अगर मैं तुझसे रिश्ता रखूं। मैं बोला कितना नीचा दिखाओगे मुझे, कितना नीचा दिखाओगे। देखो फिर क्या कह रही है, ये बातें हुई 7:57 पे, फिर कह रही है जा, खो दिया तूने नेहा को आज, आज मेरी बेटी की कसम। उसके बाद नेहा बहुत पहले जा चुकी है, कह रही है ताशी की कसम, मैं बोला कि सी बनाकर रखा है मुझे, अब मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। फिर उसके बाद मैंने क्या भेजा था, मैंने डिलीट कर दिया, मैं थी सी, मैं बोला सुमित को सब बताऊंगा क्योंकि उसके साथ तो धोखा ना होना एटलीस्ट। कह रही है चल जा तू बता दे। मैंने बोला आपने मेरे को सी बनाया, मेरा घर तोड़ दिया। वाकई में मुझे रियलाइज हुआ कि इस औरत ने अपने फायदे के लिए, अपने लिए एक लड़के को चुना शादी करने के लिए, मेरे को अपनी वाइफ से दूर रखा, उसको टच नहीं करना है, फलान नहीं करना है, ढिमकान नहीं करना है, और मेरा घर तोड़ने के बाद कह रही कि अब तुझसे जो हो कर ले, अब तुझसे जो हो कर ले अब, इनकी ये लाइन है। मैंने बोला मेरा घर तोड़ दिया तुम लोगों ने, आज वीडियो लाऊंगा, कम्युनिटी डाली है, और उसी दिन मैं लाइव आने का सोच रहा था कि मैं लाइव आऊंगा। कह रही है देखो देखो यहाँ पर आपको साफ पकड़ में आ जाएगा कि ये कितना जलती है मनीषा से। कह रही है जा घुस जा ना अपनी बीवी में, यही लाइन ये बोलती थी कि अपनी बीवी से दूर रहे, घुस जा अपनी बीवी में। देखो ध्यान से, अभी और भी आगे चीजें प्रूफ होंगी, बहुत ध्यान से आप लोग सारी चीजें देखते रहना। मैं बोला जो करते बने कर लेना, घुस जा बीवी ने था तो ने को यहाँ पर मे करेक्ट किया इन्होंने। मैं बोला घुसूंगा, अब ये प्रूफ है, जीता जागता सबूत है कि ये मेरे को मेरी बीवी से दूर रखती थी। कह रही अरे तुझे जो करना है कर। मैं कह रही हाँ वही कर, घुसूंगा को बोलिए हाँ वही कर, मेरे पर मत आ। मैं बोला तू अपनी लैंग्वेज संभाल, उसके बाद तेरी औकात ही इतनी है, अरे जा जा अब तू। आज कितनी सभ्यता भरी नारी बन करके लाइव वो वीडियो पोस्ट की है, और इनके जुबान देखो कैसे माँ बहन की गालियां देती है ये, ठीक है। आपके लिए लड़ा हूं, मैं इनके लिए तो लड़ा ना, पोस्ट मैंने इनके लिए ही किया, हो गया सब खत्म, आपने ही मेरी मुंह पे बेइज्जती की है। करिए अब देखो फिर से दूसरी गाली, ध्यान से देखो आप लोग गाली, निकल बीसी जा बता क्या हुआ था भोपाल में, जा निकल अभी जा निकल बीसी निकल। मैं बोला ताशी को ये गाली देना, समझी, अभी देखो कैसे गाली दे रही, अब मैं मरती मर जाऊंगी लेकिन तुझे नहीं अपनाऊंगी, तुझे नहीं अपनाऊंगी। कम्युनिटी डाली ना तूने, ये कह रही है ना मैं ब्लैकमेल करता था, ये देखो ये कैसे बात करती थी, कम्युनिटी डाली ना तूने, डिलीट करो। मैं बोला ताशी को गाली देना समझी, तुम्हारे भाई ने मजबूर किया, दो मैसेज के बीच में उनका एक मैसेज आया, मैं बोला तुम्हारे भाई ने मजबूर किया। कह रही है मैं शादी करूंगी 15 दिन के अंदर लेकिन तुझे नहीं अपनाऊंगी, मैं शादी करूंगी 15 दिन के अंदर, मतलब मुझे जलाने के लिए ये 15 दिन के अंदर शादी करने को भी तैयार थी, और मनीषा के बर्थडे को खत्म करने के लिए ये 10 सितंबर को सगाई करने के लिए भी तैयार थी। अगला, अब तू देख, अगला तुझे यूज एंड तू मजबूर किया, तूने यूज एंड थ्रो बनाया है, तुझे यहाँ पे लिखा हुआ तुझे यूज एंड थ्रो बनाया है। करिए अरे जा, करिए मैं शादी करूंगी 15 दिन के अंदर, मैंने बोला कर ले जा। फिर कम्युनिटी हटा पहले तो तू, देखो बात करने का लहेजा देखो, और कम्युनिटी के लिए मेरे को बोल रही ना, मैं धमकी नहीं देता था, इनका लहेजा देखो, इनकी लैंग्वेज देखो, ये कितनी सभ्यता भरी नारी बन के भी आज बात कर रही थी। और उसके बाद से कम्युनिटी हटा पहले तू, अब मैं तेरे मुंह से नाम भी नहीं सुनना चाहती, समझा तू। मैं बोला नहीं हटेगा, क्योंकि इन्होंने मेरे को गाली गलौज कर दी थी। ये रात के 8:02 का है टाइमिंग, अभी आपको चैट में टाइमिंग क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, तू किसी के लायक नहीं है, नहीं हटेगा को बोलिए मत हटा, कसम ताशी की अब तूने मुझे खो दिया। मैं बोला तरीका से बात करो पहले, देखो मैं कितने लहजे में बात कर रहा था। करिए अरे जा बीसी, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, गाली आप पढ़ सकते हैं, तो बच्चों से हट के देखिएगा क्योंकि ये नेहा तिवारी की चैट ऐसी पढ़नी पड़ेगी। निकल डरा मत यहाँ मुझे, देखो एक तो पहले डरा खुद रही है, खुद धमकी दे रही है, मैंने तो बोला कम्युनिटी